सर आज कासखंड में जो खुलासा किया जा रहा है, क्या कुछ खुलासा किया गया? लगभग चार दिन पूर्व में एक वाहन चोर को गंजुड़वारा पुलिस ने पकड़ा था। वो अभियुक्त काफ़ी शातिर था, उसने बार बार उल्टी आने का बहाना करते हुए संतरी को बार बार उसको हवालत से बाहर निकालने की, और एक बार जब वो उल्टी करने के बहाने से बाहर निकाला तो संतरी को उसने चकमा देकर वो वहाँ से भाग गया था। तो इस अभियुक्त को पकड़ने के लिए टीमें लगाई गई थी, इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था जो कि अभिरक्षा से भागने के संबंध में था। और दूसरे दिन भागने के बाद इसके ऊपर एक 25,000 का इनाम भी हमने घोषित किया था, क्योंकि अभिरक्षा से भागना बहुत ही संगीन अपराध है। तो इसके ऊपर जो टीम लगी थी उन्होंने उसको गिरफ्तार किया है, और इस अभियुक्त से और जब पूछताछ की गई तो इसके पास से एक असला भी बरामद हुआ, और ये भी पता चला कि ये पूर्व में भी कई जगहों से वाहन चोरी में ही जेल गया है, जिसमें ये दिल्ली से भी जेल गया है, हरियाणा से भी जेल गया है, ये फर्रुखाबाद और फिरोजाबाद से भी जेल गया है। इतना ही नहीं, फर्रुखाबाद में इसके खिलाफ 2016 में गैंगस्टर का मुकदमा भी दर्ज हुआ था। तो इसको गिरफ्तार किया गया है, और इसका एक साथी है सोनू जो वाहन चोरी में इसकी मदद करता है, इसका साथ देता है, वो अभी वांछित है, उसको भी पकड़ लिया जाएगा और इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई होनी चाहिए।